प्रत्यक्ष सप्ताह रविवार को शाम 5 बजे साइकिल अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता के लिए नगर में जन जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया जाता है। इसी तारतम्य में आज नजरबाग ग्राउंड में साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल अभियान रैली में प्रशांत खरे पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में भाजपा नेता अभिषेक खरे सहित भाजपा नेता, पुलिस विभाग की टीम और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल थे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम चल रहा है, साइकिल चलाने से क्या फायदा है और क्या संदेश देना चाहते हैं? ये साइकिल अभियान देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए चलाया जा रहा है। पिछले सप्ताह से यह शुरू हुआ और हरी रविवार को साइकिल चले इस नाते यह अभियान शुरू हुआ। पिछली बार नगर के बहुत से संभ्रांत नागरिकों ने इसमें भाग लिया था। इस बार हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और उनके जवान सब इसमें भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। ये अभियान नगर का अभियान बने, ये अभियान ऐसा अभियान बने कि अगले कुछ दिनों बाद टीकमगढ़ नगर में रविवार को अधिकांश लोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए साइकिल से निकलें और यह अनूठा उदाहरण देश भर में प्रसारित हो, इस उद्देश्य के नाते यह काम, यह साइकिल अभियान देश के लिए यह प्रारंभ किया गया। साइकिल समिति द्वारा प्रति रविवार की भांति इस बार भी साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भ्रमण करके गुजरेगी। और इस रैली में इस बार पुलिस विभाग का सहयोग दिया जा रहा है, हमारे अधिकारी और हमारे जवान इसमें शामिल हुए हैं। और ये रैली उम्मीद है कि हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण और सामाजिक सौहार्द के लिए एक बहुत अच्छा संदेश देगी। और सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।